हम में से कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने का सोचते हैं, और जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने का सोच ही लेते हैं तो हम किसी से एडवाइस लेने भी जाते हैं, और जब हम किसी से एडवाइस लेते हैं कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, एग्जाम क्रैक कितने सालों में होता है, तो सामने वाला व्यक्ति सबसे पहली एडवाइस यही देता है कि आपको एक साल तक, दो साल तक कम से कम हर दिन 10 से घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। इस पहली एडवाइस को सुनकर ही हमारे दिमाग में खौफ आ जाता है, डर आ जाता है कि एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इस पहली एडवाइस को सुनकर ही हमारे दिमाग में खौफ आ जाता है, डर आ जाता है, जिसकी वजह से हम अपने दिमाग से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने का थॉट विचार निकाल देते हैं। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि आखिरकार आपको एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे कितने दिनों तक पढ़ने की जरूरत है। रियलिटी ये है कि आपको एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे कम से कम एक महीने तक लगातार पढ़ने की जरूरत है। जब आप लोग एक महीने तक लगातार 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लोगे ना, तो फिर आपकी हर दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करने की आदत बन जाएगी, और जो चीज़ आपकी आदत बन जाती है, जो काम करने की आपकी आदत बन जाती है, फिर उस काम को आपको करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुका है। इसीलिए अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग किसी व्यक्ति से पूछिए, वो आपको यही कहेगा कि स्टार्टिंग के दिनों में आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आपकी हर दिन पढ़ाई करने की आदत बन जाती है 10 घंटे 12 घंटे, तो फिर इसके बाद जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करने के कब निकल जाते हैं आपको खुद ही पता नहीं चलता। आपके प्यारे से हाथों से कमेंट करके बताना कि आप लोग किस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके ढेर सारे लाइक्स, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।